पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने किसानों और ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। बेमौसम हो रही बारिशों ने किसानों के सामने रोजी रोटी की मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जो किसान गंगा के किनारे खेती करते हैं, उनके लिए तो ये बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गंगा के पार जाने के लिए बनाया गया अस्थायी पुल भी टूट गया है। पूरा मामला है बिजनौर के कस्बा मंडावर का, जहाँ पर गंगा के किनारे बसे गाँव वाले आज बेहद परेशान नजर आए। वजह थी अस्थायी पुल का टूट जाना। अब पेट तो भरना ही है, जिसके चलते ग्रामीण नाव के सहारे गंगा पार करने को मजबूर हैं। मगर नाव का सहारा लेकर भी खतरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऊपर से तेज़ पानी छोड़ दिया जाता है तो हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। कुछ वक्त पहले गंगा में नाव डूबने से काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन आज तक भी गाँव वालों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। गाँव वालों का कहना है कि गंगा पर दीपावली के बाद अस्थायी रूप से बनाया गया पुल कल गंगा में पानी के तेज बहाव से टूट गया है, जिसके चलते उन्हें अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे वहाँ बढ़ जाएगी उसके नीचे वहाँ। नाम है आपका? हरविंद सिंह। हरविंद जी, आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे थे आप अभी? अपनी खेती पे, पार गंगा पार खेती है आपकी। ये पुल कैसे टूट गया? पुल पानी है। अच्छा, पानी टूट गया। अब आप लोग जो आप गन्ना खड़ा है, जो आप कैसे आना जाना करोगे उधर से, कैसे अपनी फसल? नाव से। नाव से? नाव से रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है, रिस्क तो है ही है। अब जब है उधर सब बाहर वाला खेती उधर, तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है, वहाँ से लाते हुए नाव डूब जाती हुई, लोग जान भी चली जाती होंगी? वो तो जाती हैं। आज ये 25-26 आदमी मरे थे अभी। हाँ, फिर नहीं होगा, 2-3 साल होगा। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है कि पुल बन जाएगा जल्दी है? अभी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अब गन्ना नाव के द्वारा या कोई और रास्ता नहीं है गन्ना लाने का? कोई रास्ता नहीं, नाव से लाओ। नाव से पूरा रिस्क है? हाँ जी, पूरा रिस्क। क्या नाम है आपका? दीपचंद जी। दीपचंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ? जी यहाँ चौकीदारा करते हैं। पुल, ये पुल कब बना था? ये दीपावली के बाद बना था। अच्छा, ये कल टूटा है? कैसे टूटा है ये? कल पानी के तेज भाग आने के वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हो, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते आते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गाँव की खेती होगी गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती होगी गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं, और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं। हाँ जी। अच्छा, अब लोग कैसे आ जाएंगे वहाँ? बस जब के आप तो नाव से ही उतरेंगे। अच्छा, पानी का तेज भाव आया तो बह गया। हाँ, और हमने जो मदद करनी निकल ली। अच्छा, अब क्या करें? जो लोग गन्ना खड़ा हुआ है उधर, वो इधर कैसे आएगा? नाव से आवेगा जी। नाव से? हाँ जी, जोड़े चलाएंगे, जोड़े बन लेंगे, जोड़ से आवेगा। अच्छा, ये पुल बनने की उम्मीद करते हैं, कब तक बन जाएगा ये पुल? बस अब क्या बनेगा, अब नहीं बनेगा, हो सके कभी अभी उखाड़ लगे, गवर्नमेंट की बात है। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ गंगा पार से जब गन्ना लाते हैं तो लोगों की नाव डूब जाती है, कई बार हादसे हो गए? कहीं हादसे हो गए जी, कहीं डूबते हैं, क्या करें बताओ, जीवन उत्पन्न करना तो। कितने लोग अब तक जान गंवा चुके होंगे इस तरह? करीबन यहाँ तो सोइयों के आस पास आदमी जान गंवा गए, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। अच्छा जी, तो सरकार ने तो यहाँ स्थायी पुल नहीं बनाया ना? कोई